सो डियर फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि इंग्लिश का क्लास 10 का पेपर था, तो यहाँ पे सेट नंबर 2 कोड 212 के लिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। सेट 1 एंड 3 का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया कि इस तरह के और सब्जेक्ट्स का आंसर की देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट्स पे। तो यहाँ पे रीडिंग सेक्शन जो है आपका एवलांच के बारे में दिया है। एवलांच यहाँ पे सेम टू सेम सेक्शन 1 और 3 में देकर रखा है, और यहाँ पे सेक्शन 2 में भी वही सेम टू सेम देकर रखा है। रीडिंग स्किल में सेक्शन 1 का पैराग्राफ नंबर 1, तो यहाँ पे सारे आंसर्स उसके जैसे सेम होने वाले हैं, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला, न्यू स्नो और रेन। एवलांच कैन बी कॉज बाई ए, न्यू स्नो और रेन। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट एवलांचेस इन टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस था, तो यहाँ पे हो जाएगा अ फुट ऑफ स्नो फॉल्स, एक्सप्लोजिव यूज टू ट्रिगर स्मॉल एवलांचेज। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कहाँ पे ये दोनों लिख के रखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवर अ फुट ऑफ फ्रेश स्नो फॉल्स एंड एक्सप्लोजिव कैन बी यूज इन प्लेसेस ऑफ मैसिव स्नो बिल्डअप। तो ये तीन चार लाइन में आपको आंसर ढूंढ के, मतलब दिया ही आंसर आपको यहाँ पे अपने वर्ड्स में बना के लिखना था। ओके, यहाँ पे थर्ड का आंसर मेंशन टू रीजंस विच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। दो जाएंगे, एक आर्टिफिशियल ट्रिगर्स, दूसरा सडन फॉल ऑफ स्नोज, मतलब एवलांच जो आते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे दिया है आपका सडन फ्लो ऑफ स्नो डाउन, एंड यहाँ पे आपका दिया है आर्टिफिशियल ट्रिगर्स। तो दो रीज़न आपको बताने थे। ओके, दो चीज़ें नहीं बतानी थी, दो रीज़न बताने थे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ प्रिडिक्ट। ए फॉरकास्ट हो जाएगा। फिफ्थ, द राइटर विल एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लास्ट पैराग्राफ। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पीपल कॉट इन द एवलांच कैन ट्राई टू स्विम टू द टॉप। सिक्स्थ का हो जाएगा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर एवलांच। तो यहाँ पे डी हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि सारी सारी चीज़ें देकर रखी हुई हैं हमारे पैराग्राफ में। 8, एक्सप्लोजिव कैन बी यूज इन द प्लेसेस ऑफ, वही जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ नंबर 3 दिखाया है यहीं पे दिया है। एक्सप्लोजिव कैन बी यूज इन द प्लेसेस विथ मैसिव स्नो बिल्डअप्स टू ट्रिगर स्मॉलर एवलांचेस दैट डोंट पोज अ डेंजर टू पर्सन्स और प्रॉपर्टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th, द वर्ड डेडली इन पैरा 3 मोस्ट नियरली मींस, ये हो जाएगा लाइकली टू कॉज डेथ। 10th, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द वर्पेसेस एवलांचेस हो जाएगा, आपको सिंपल से पता है, पढ़ के पता चल जाएगा। पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 भी सेट 1 एंड सेट 3 की तरह रिलेटेड है। तो यहाँ पे मतलब कि तीनों सेट में आपका सेम टू सेम यहाँ पे पैरा देकर रखे थे। पहला क्वेश्चन जाएगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मल रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट ईजी बिकॉज कॉस्ट इज इनॉर्मस, ट्रैफिक हटाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द रीजन इज फॉर इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन आर। तो यहाँ पे 1 एंड 2, जो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 दोनों बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हैं जो देखे रखा है, बाकी नहीं है। नंबर 3, कम्प्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ अ वर्ड फेज फ्रॉम पैराग्राफ 5। ऑर्गेनाइज्ड, कॉएटिक, लोएस्ट का पीक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्लू भी दिया है, जस्ट एज ऑर्गेनाइज्ड इन एंटोनिम ऑफ कोएटिक, लोएस्ट इज एन एंटोनिम ऑफ पीक हो जाएगा यहाँ पे। द व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट विच अफेक्ट इन्वायरमेंट बैडली। फिफ्थ का हो जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच स्टेट्स द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। सिक्स्थ का मतलब यहाँ पे जाएगा डी वाला ऑप्शन 1 एंड 3, यहाँ पे 1 एंड 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा, कंजेशन ट्रैफिक। ये जो है 7th वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना एनालाइज करके आपको बताना था ट्रैफिक के बारे में। तो यहाँ पे लोएस्ट है सबसे कम 2020 में, 2019 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, राइट। और ये वाला क्वेश्चन अपने को नहीं करना, क्योंकि ये विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए है। 8th वाले का आंसर हो जाएगा गिव द रीजन फॉर इंक्रीज इन व्हीकुलर कंजेशन। तो यहाँ पे पैरा नंबर 2 में सबसे पहला रीजन है नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीज कंसिडरेबली। पैरा नंबर 4 में मोर एंड मोर पीपल यूज देयर प्राइवेट व्हीकल्स। पैरा नंबर 5th में आपको मिल जाएगा अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पे 3 रीज़न थे, जिसमें से अगर आप एक भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 9th, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एडवर्स, देयर आर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग वेहिकुलर कंजेशन। 10th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कंटेप्लेट या फिर थिंकिंग, पॉन्डर्ड मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, राइट। तो दोनों में से कोई भी लिखोगे तो सही हो जाएगा। सेक्शन बी पे आते हैं, ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, हम सारे आपको आंसर्स बताएंगे। तो पहले को हो जाएगा यहाँ पे सी वाला शट डाउन, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल शट डाउन द पावर फॉर 2 आवर्स दिस इवनिंग। यहाँ पे तो सिंपल सा आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा शट डाउन, ही हम लोगों ने सुन के रखा हुआ न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो।
सेकंड क्या हो जाएगा, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द कोच एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग एंड बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली, कोच यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली, स्टूडेंट येस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ, द कोच रिमाइंडेड एंड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड अफर्मेटिव एंड कन्फर्म दैट ही वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्गर देन. थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, द रिपोर्ट रेड देयर मस्ट बी ट्रैफिक डाइवर्जन ड्यू टू द स्टूडेंट परेड ऑन द मेन स्ट्रीट. फोर्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाईज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द हेल्थ रिपोर्ट, द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हैव रिड्यूस्ड इन द सिटी. तो यहाँ पे बी हो जाएगा, हैव की जगह हैज हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया सिर्फ एक डिजीज है और सिर्फ सिंगुलर पर्टिकुलर हो जाएगा तो सिंगुलर के लिए हैज यूज करते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द अटेंडेंट वेटेड ऑन सेवरल गेस्ट्स एज द एट द सेम टाइम टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस. सिक्स्थ हो जाएगा आंसर यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव एज आई हैव टू विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का यहाँ पे हो जाएगा सेम साहेब वाला सेंटेंस, राइट. जो साहेब ने यहाँ पे बोला है सेम यही आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं. द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, तो एज हर चीज़ के लिए हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे. एट्थ का हो जाएगा यहाँ पे एरर करेक्शन करना था, एक्साइटिंग का एक्साइटमेंट हो जाएगा, राइट. जो आपका यहाँ पे एक्साइटिंग देकर रखा है एक्साइटमेंट हो जाएगा. द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन स्कूल हैज लेड टू एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स. एक्साइटिंग तो आपको सुन के ही अजीब लग रहा है, ये तो मतलब सुनने में अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही. क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मारिया शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ मैथ्यू अबाउट हर फ्लाइट टू कानपुर, रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन. वर यू नर्वस ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, मैथ्यू आस्क्ड मारिया वेदर शी वॉज नर्वस ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट. क्वेश्चन नंबर टेंथ, फिल इन द ब्लैंक करना था आपको यहाँ पे सिंपल सा, नीड अ गिफ्ट यू विल फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन. क्वेश्चन नंबर इलेवंथ यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट. अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैक्सिमम आपका ग्रामर से रिलेटेड जो आया है रिपोर्टिंग स्पीच से आया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका मॉडल्स, टेंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, मतलब कम्प्लीटली ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रामर एंड नॉलेज के ऊपर दिखा गया है. सीबीएसई वालों ने इस बार इम्प्रूव किया है, राइट. तो आपको काफ़ी, तो इस बार देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो आ रहा है क्वेश्चंस आपके सेट 1, 2, 3 में मैंने देखा है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड पूछ रहा है, क्योंकि इसमें टेंस, वर्ब्स, मॉडल्स सब कुछ इसमें इंक्लूड करके ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रामर एंड नॉलेज के ऊपर पूछा जा रहा है क्वेश्चंस. तो ये अच्छा लगा इस बार सीबीएसई का, क्योंकि इन्होंने पैटर्न चेंज करके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर देखा है. तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन. तो यहाँ पर जाएगा डेस्टिनेशन की जगह डेस्टिनेशंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशंस हो जाएगा मिजोरम है, काश्मीर है, केरला है, गोवा है, मल्टीपल प्लेसेस हैं, इसलिए डेस्टिनेशंस हो जाएगा, सिंगुलर नहीं है. और उसके बाद यहाँ पे सबके सब जितने भी आपके हैं सब फॉर्मेट बेस्ड है, कंटेंट दे के रखा है आपको, अपने अपने वर्डिंग्स में लिखना था, फॉर्मेट सेम है, कंटेंट आपको पता है, आपको अपने वर्डिंग में सिर्फ बना के लिखना था, वो आप इजीली कर लोगे इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो, राइट. तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, फॉर्मेट आपको पता है, कॉन्टेंट भी दे के रखा है, आपको खाली इसको बना के अपने वर्ड में लिखना है. तो हम पढ़ते हैं लिटरेचर पार्ट की तरफ. लिटरेचर पार्ट में यहाँ पे आपका दे के रखा है पैराग्राफ, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर देता हूँ. तो यहाँ पे ऑन द सर्फेस इट अपीयर्स दैट एनी द 13-year-old गर्ल हैव एवरीथिंग बट वन एक्सेप्ट ट्रू फ्रेंड, राइट. सेकंड का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, शी क्रेव्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड. थर्ड का हो जाएगा यहाँ पे कॉमन एवरीडे थिंग्स, एनी एंड हर फ्रेंड्स टॉक्ड अबाउट कॉमन एवरीडे थिंग्स. फोर्थ का हो जाएगा कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेस्ट. अलोन का फ्रेंड्स हो जाएगा, नथिंग का एवरीथिंग हो जाएगा. कुछ बच्चे बोलेंगे कि समथिंग भी तो हो सकता है, लेकिन समथिंग नहीं होगा, एवरीथिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द टेस्ट. तो टेस्ट में यहाँ पे आपको देकर रखा है आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो यहाँ पे एवरीथिंग ही यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पे आपका जो दिया है अलोन का फ्रेंड्स दिया, तो यहाँ पे अलोन भी देकर रखा था. सो अलोन यहाँ देकर रखा है आपका, देख लीजिए. तो अलोन का फ्रेंड्स हो जाएगा और नथिंग का एवरीथिंग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेस ऑफ idiom bring myself from the street. तो यहाँ पर जाएगा टू डू समथिंग willingly. सिक्स्थ, मिसेज हॉल के बारे में दिया था, जो यहाँ पे स्ट्रेंजर वाली स्टोरी थी. ए, मिसेज हॉल ट्रिप्ड बिकॉज शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. सेकेंड, मिसेज हॉल सस्पेक्टेड एवरीथिंग इन द रूम वॉज पुट अंडर अ स्पेल ऑफ विच क्राफ्ट बाई स्पिरिट्स. थर्ड, फिल इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली, मिसेज हॉल वॉज अफ्रेड दैट स्पिरिट्स हैड एंटर्ड
हर रूम। फोर्थ का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द फीलिंग ऑफ मिसेज हॉल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 and 6, डी वाला 1 and 6 स्टंड एंड 6 का एग्रीगेटेड, राइट। यहाँ पे ना ही वो हैप्पी थी, ना ही नर्वस थी, ना ही और स्ट्रक थी, ना ही और ट्रेस्ट थी। स्पिरिट्स क्वेश्चन नंबर 5th, स्पिरिट्स इन द अब लाइन्स मीन्स द सेम एज घोस्ट्स। स्पिरिट्स मतलब यहाँ पे घोस्ट से रिलेटेड है, राइट। कॉन्शियस एटीट्यूड ईगो से नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं इधर आपके लिटरेचर सेक्शन के, अगर जिन्होंने रीड किया है पूरा स्टोरी या फिर पोएम अपने से, उनके लिए काफ़ी ईजी था ये। तो यहाँ पे आपका दिया दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ऑन नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे विव देयर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे पहले का सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टीयर्स। आपने सुने होंगे घड़ियाली आंसू बहा रहा है कि नहीं, झूठे आंसू जो बहाता है तो उसको कहते हैं मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है, आपने मुहावरा तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे टीयर्स आ जाएगा। सेकेंड भाई जिसने पहला कर लिया उसको तो पक्का आ रहा होगा सेकंड वाला, क्योंकि हाइना सर फेमस फॉर वीपिंग, वीपिंग तो यहाँ पे जो टीयर्स बाहर आए क्रोकोडाइल बाहर आए, तो हाइना कहाँ से आ गया भैया। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो ऑलरेडी कर देंगे कि ये फॉल्स है। नोविस का यहाँ पे पूछा है सेम एज मीनिंग क्या होगी, तो बेगनर हो जाएगा। फोर्थ का यहाँ पे क्रोकोडाइल एंड हाइना जो कि दो चीज़ों के बारे में, दो एनिमल्स के बारे में बिहेवियर ट्रेट्स के बारे में बात किया है, वो क्रोकोडाइल एंड हाइना के बारे में किया है। फिफ्थ का हो जाएगा सी वाला, इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर, राइट। यहाँ पे बी वाला पार्ट दिया है सेवन्थ का, तो पहले का हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन द विविड स्ट्रिप्स रिफर टू द स्क्रीन। सेकंड का हो जाएगा लाउड मीन्स क्वाइट, आपके बहुत सारे मॉनिटर्स बोलते होंगे बार बार आपको कीप क्वाइट बी क्वाइट है कि नहीं, तो आप लोग जब शोर मचाते हो लाउड लाउडली डोंट स्पीक लाउडली स्पीक क्वाइटली, ये सब सेंटेंसेस आपके मॉनिटर यूज करते होंगे, आपके टीचर्स भी यूज करते होंगे। थर्ड द यूज ऑफ फ्रेजेस पैड्स ऑफ वेलवेट बेन्स पॉज हो जाएगा यहाँ पे, उनके पंजे जो होते हैं। फोर्थ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द कन्फाइनमेंट ऑफ द क्रैम्ड स्पेस ऑफ द केज हैज रिस्ट्रिक्टेड द टाइगर्स स्टेप्स, ट्रू। फिफ्थ द टाइगर वॉज लर्किंग इन शेडो टू कैच इट्स प्रे हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ डिस्कस करने था नहीं, क्योंकि सारे सारे आपके स्टोरी से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है, जो कि आप पढ़ रखे हो और स्टोरीज देख भी रखे हो, और बहुत सारे बच्चों ने तो लास्ट टाइम में वन शॉट वीडियोज देख के यूट्यूब पे रिवाइज किया होगा और वो फंस गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है 40-50 वर्ड में, यहाँ पे आपको 100-120 वर्ड में। तो जिन्होंने स्टोरी रीड की है वो वहाँ से अच्छे से बना के लिख पाएंगे, जिन्होंने वन शॉट वीडियोज देखी है खाली कुछ नहीं पढ़े हैं अपने से रीडिंग नहीं लगाए हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होगी, राइट। तो जिन्होंने पढ़ रखा था उनके लिए बढ़िया गया होगा, जिन्होंने वन शॉट वीडियोज खाली देखी थी उनके लिए थोड़ा सा खराब गया होगा, क्योंकि बना नहीं पाए होंगे वर्डिंग अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि आप अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे, अपने प्रिपरेटरी लीव को अच्छे से यूज करोगे, दुखी में ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं बिताओगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इस तरह की और वीडियोस में लेके आता रहता हूँ लगातार कंटिन्यूसली, कोशिश रहेगी कि आपको सारे आंसर कीज मैं पहुँचाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।